अयोध्या के कुबेर टीला सप्त मंदिर में अभी भक्तों की नो एंट्री, जाने कब से और कितने लोगों को होंगे दर्शन। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में प्रभु राम का मंदिर तेजी के साथ बन रहा है। मंदिर का निर्माण साल 2025 में संपूर्ण कर लिया जाएगा। मंदिर में प्रभु राम के अलावा और भी मठ मंदिर बनाए जा रहे हैं। राम भक्त प्रभु राम के अलावा इन मठ मंदिरों में दर्शन कब से कर पाएंगे, यह जवाब हर राम भक्त जानना चाहता है। तो चलिए आज हम आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं कि अयोध्या के राम मंदिर परिसर में प्रभु राम के अलावा और किन किन मंदिरों के दर्शन राम भक्त कैसे कर सकते हैं। राम जन्मभूमि परिसर में प्रभु राम अपने गर्भगृह में बीते 22 जनवरी को विराजमान हो चुके हैं। तब से हर दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। राम मंदिर के अलावा राम मंदिर परिसर में सप्त ऋषियों के भी मंदिर बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा पवन पुत्र हनुमान, माता अन्नपूर्णा, निषाद, राजमाता, शबरी के साथ साथ सप्त ऋषि में महर्षि अगस्त्य, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि वाल्मीकि के अलावा विभिन्न मंदिरों का निर्माण किया जा रहा है। कुबेर टीला पर स्थित है भगवान शंकर का मंदिर। इसके साथ ही कुबेर टीला पर भगवान शंकर का मंदिर स्थित है। जटायु की प्रतिमा लगाई गई है, जहां श्रद्धालु दिसंबर 2024 के बाद से दर्शन कर सकते हैं। इन मंदिरों का निर्माण दिसंबर 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन इन मंदिरों में दर्शन के लिए राम मंदिर ट्रस्ट प्रतिदिन 1000 पास जारी करेगा। पास के माध्यम से ही राम भक्त इन मठ मंदिरों में दर्शन कर सकेंगे। कुबेर टीला के लिए 1000 पास जारी करेगा ट्रस्ट। भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नपेंद्र मिश्रा ने बताया कि कुबेर टीला पर भगवान शंकर का मंदिर स्थापित है। कुबेर टीला पर जटायु की प्रतिमा भी लगाई गई है। राम भक्तों को कुबेर टीला पर कैसे दर्शन कर सके, इसे लेकर राम मंदिर ट्रस्ट अब 1000 श्रद्धालुओं का जल्द ही पास उपलब्ध कराएगा। अभी श्रद्धालु वहां नहीं जा सकते क्योंकि सड़क का निर्माण अभी पूरा नहीं हो पाया है। राम भक्त राम मंदिर में सप्त मंदिर कुबेर टीला पर दिसंबर से दर्शन कर सकते हैं।